हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। यार कल की क्लास ना ले पाने की वजह के लिए, लेकिन उसके लिए मैं थर्सडे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाने की सोच रहा हूँ, तो उसको हम कर लेंगे एग्जीक्यूट, बैलेंस कर देंगे, टेंशन नहीं है उसकी ज़्यादा। आज सर 10 बजे से होने वाली थी क्लास है। 10 बजे से? हाँ यार, इधर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था यार, मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा मैं 10 बजे से बैठा हूँ। था। रेगुलर ट्राई कर रहा हूं मैं तब से। हेडिंग लिखो, पीरियड। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन भैया? पीरियोडिक फंक्शन का समझना ध्यान से। पीरियोडिक फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करें। उस थ्योरी पे बाद में जाएंगे, पहले मैं समझाता हूं आपको कि सर्टेन इंटरवल का क्या मतलब है भैया। सर्टेन इंटरवल जो है उसके बाद आपका फंक्शन अपने आप को क्या करना शुरू कर दे, रिपीट करना शुरू कर दे। तो कैसा है मामला? वो है ऐसा मामला, जैसे एक साइन फंक्शन देखा आपने, अगर आप हाँ सर, साइन फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको साइन फंक्शन का पैटर्न अभी धीरे धीरे तोड़ूंगा, देखना, एकदम ऐसा ही नजर आएगा सब जगह। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसा शुरू के हिस्से में है, बिल्कुल वैसे ही बाद के हिस्से में है वो। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग को के लिए परेशान मत होना। किसी की तरफ से आवाज आ रही है यार, म्यूट कर लो अपने आप को। निर्मल, कुछ बोल रहे हो क्या बच्चे? हाँ चलिए, निर्मल चलिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूं कि यार देखो जरा, ये मेरा पॉइंट है जीरो, ये मेरा पॉइंट है पाई, ये मेरा पॉइंट है टू पाई, ये मेरा पॉइंट है थ्री पाई, ये मेरा पॉइंट है फोर पाई, ये मेरा पॉइंट है फाइव पाई, और ऐसे सो ऑन। ऐसे ही ये जीरो, ये माइनस पाई, ये माइनस टू पाई, यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस थ्री पाई। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई में क्या हो रहा है भैया, ये देखिए अपर लोब, इसी तरीके से पाई से टू पाई में ये लोअर लोब। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इसके सेगमेंट्स अगर मैं तोड़ना चाहूं तो कैसा टूटेगा, देखो जरा ध्यान से। ये सेगमेंट है, यहां से ध्यान से देखो, ये सेगमेंट है, यहां से ध्यान से देखो, ये सेगमेंट है, और इस तरीके से आगे वाले में। इसमें देखो क्या बोलना चाहता हूं मैं, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसे बोलूं वन, इसे बोलूं टू, इसे बोलूं थ्री, इसे बोलूं माइनस वन। ठीक है, वन क्या है, इस हिस्से को नाम दिया है मैंने, टू क्या है, इस हिस्से को नाम दिया है, ये दो ग्रीन से ग्रीन के बीच में, मतलब टू पाई से फोर पाई में। थ्री क्या है, फोर पाई से लेके सिक्स पाई के बीच के हिस्से को मैंने नाम दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्स पाई वाला हिसाब किताब। ठीक है, माइनस वन क्या है, इस हिस्से को नाम दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है, कैसा लग रहा है? ऐसे ही तो लग रहा है कि वन को अगर मैं यहां से उठाऊं, इमेजिन करने की कोशिश करना कि वन को मैंने यहां से पिक किया और उठा के कहां पे लगा दिया, इस जगह पे चिपका दिया, बिल्कुल वैसे ही तो लगेगा, इक्वल हिस्से लगेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा वन ही अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ओवरलैप वन ही हो अपने जाएंगे सर एक हाँ दूसरे सुपर पे। इम्पोज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसको उठा के अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो एकदम चिपक जाएगा, कहीं से कुछ नहीं नजर आएगा आपको। ठीक है, फिर वन को चाहूं तो मैं थ्री पे भी कर सकता हूँ, ऐसे टू को थ्री पे भी कर सकता हूँ, मतलब आपको ये लगेगा कि वन ही एक तरीके से अपने आप को आगे और पीछे एडजस्ट कर रहा है। सही बात नहीं है क्या? एकदम सही है, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, नो सर, आगे सोच में। है ना? तो ये इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, इसमें देखो ये इंटरवल है ना जीरो से टू पाए, इसके बाद में देखो टू पाई से फोर पाए, तो टू पाए जीरो से टू पाई ये हो गया, टू पाई से फोर पाए, फोर पाई से सिक्स पाए, माइनस टू पाई से जीरो। ये सब ध्यान से अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि एक सर्टेन इंटरवल टू पाई के बाद में ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो जीरो से टू पाई तक ये चला, टू पाई से फोर पाई सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट किया, फोर पाई से सिक्स पाई सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट किया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाया भैया कि टू पाई के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चे, क्या बोल सकता है ये क्लियरली, कि भैया ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है,
और जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका हिसाब किताब क्या है भाई, पीरियड कितना है उसका, 2 पाई। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है। 2 पाई क्या है, वो इंटरवल है जहां से अपने आप को रिपीट करता है। मतलब एफ एक्स कितना है मेरे पास, साइन एक्स, ये साइन एक्स का एक्सप्रेशन था। एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स के बारे में अगर बात की जाएगी तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे। साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा भैया, वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट, वापस से देखो, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये कितना हो गया, 2 पाई। तो 2 पाई प्लस एक्स हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स वापस से कितना मिल गया आपको, साइन एक्स। मतलब हम, मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। बताइए, कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत, कुछ भी परेशानी, समस्या नो सर, आ रहा समझ में। आ रहा है समझ में? तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। ये चीज हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, अब इसे पढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि फंक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो किससे डिफाइन होगा, पीरियोडिक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, इसमें जो टी रहेगा, जैसे यहां पे 2 पाई है, तो 2 पाई यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। जो फंक्शन इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है उस फंक्शन का पीरियड कितना है आपके पास में, 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कितना है, 2 पाई। तो यही देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, उनका पीरियड कितना है, 2 पाई। टैन भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, पाई। ठीक है, अब ये जो टी है, इस टी के बारे में थोड़ी डिटेलिंग करते हैं यार। क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी ऐसा दे रखा है। ये टी जो है ये कहलाता है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर है, ये चीज कहलाती है फंडामेंटल पीरियड। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी परेशानी तो प्लीज बताइए। यहां तक नहीं, अब आप बोलोगे फंडामेंटल पीरियड कैसे सर, तो मैं बोलूंगा देखो, अभी ये साइन एक्स आया था, इसका पीरियड हमने निकाल लिया 2 पाए। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये पीरियड है इसका 2 पाए। अब देखिए, 2 पाई के बाद में, अब ये हो गया 2 पाए, अब 2 पाए से 4 पाए, 2 पाए से 4 पाए भी एक पीरियड है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एफ जो है 2t वो भी इसका पीरियड है, 3t वो भी इसका पीरियड है, अभी बताऊंगा कैसे, 4t उसका भी, ये भी पीरियड है। ठीक है, और 5t ये भी पीरियड है, 6t ये भी पीरियड है, 7t ये भी पीरियड है। ठीक है, तो टी हो गया 2 पाए, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, ये भी अपने पास है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी हमको क्या दे रहा था, एफ एक्स दे रहा था। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी की जगह कितना डाला आपने, 2 पाए, तो साइन में एक्स प्लस 2 पाए चला गया, क्योंकि एफ एक्स साइन एक्स लिया हुआ था तो वो भी साइन एक्स देगा। अब मैंने आपसे बोला चलो जी अगला करके देखते हैं, 2t, 2t डाल रहा हूं यहां पे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2t वो कितने के बराबर हो जाएगा, देख लेते हैं, साइन ऑफ टी की जगह कितना डाला आपने, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 2t, और टी की जगह मैंने डाला 2 पाए, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 4 पाए। तो साइन 4 पाए प्लस एक्स कितना आएगा वापस से, साइन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3t, एफ ऑफ एक्स प्लस 3t, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 3 × 2 पाए दैट इज 6 पाए। तो साइन ऑफ 6 पाए प्लस एक्स कितना हो गया आपके पास में, साइन एक्स। ठीक है, तो टी 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t ये कब कितना हो जाएगा, ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, साइन एक्स। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए यहां तक।
ये भी साइन एक्स आ जाएगा, ये भी साइन एक्स आ जाएगा, ये भी साइन एक्स आ जाएगा, ये भी साइन एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा टी पीरियड आता है तो 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t ऐसे करके ये सब क्या हो जाएंगे? इसके पीरियड हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो पीरियड हो ही जाएंगे, यहां पे जो आपको दे रखा है ये फंडामेंटल पीरियड कौन हो जाएगा? ये टी। ये फंडामेंटल पीरियड कौन हो जाएगा? ये टी। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? कुछ भी परेशानी समस्या तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो फंडामेंटल पीरियड होता है लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। तो ये 2t, 3t, 4t, 5t, 6t ये सब पीरियड है इसके, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन है? ये t। ठीक है। तो ये फंडामेंटल पीरियड है। कोई दिक्कत है भैया तो प्लीज बता दो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मोहित, अजय, आदित्य, क्लियर है सर। ठीक है। तो ये देखिए, नोट जो लिखा हुआ है इसको आप लिखेंगे सब लोग। नोट, इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। डन। बढ़ो आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। ले लिया सर। तो समझने वाली बात थी, मैंने एकदम समझा दी, सर ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मैंने समझाया एकदम, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सर, ये इनवर्स मतलब कौन सा इनवर्स है? ऑफ अ फंक्शन है। तुमने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखा है? वो साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स इनवर्स। देखा है? हाँ हाँ। तो साइन इनवर्स पीरियडिक नहीं होता, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता, बस इतना। अच्छा, मतलब इसका ये मतलब है। हाँ मैं ये सोचा कि ये कह रहा है कि भाई उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका क्या वो पीरियोडिक नहीं नहीं होता। होता, लेकिन वो पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है, अभी बताऊंगा उसका रीजन है, बाद में बताऊंगा। जिनका देखो जो पीरियोडिक फंक्शन है ना, वो मेनी वन फंक्शन होंगे। अगर आप सब लोग ध्यान से देखें तो क्या ये मेनी वन फंक्शन है? क्या कोई बताएगा? सुशांत बताओ चलो, मेनी वन फंक्शन क्या होता है? वैल्यू पे एफ एक्स की मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है हमें। बिल्कुल सही है। मेनी वन फंक्शन को ग्राफिकली कैसे पता लगाया जाता है? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉइंट पर कई बार कट करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आप देखो ना, यहाँ पे अगर बाई चांस मैं इसे काटना चाहूं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, तो देखो कितनी जगह कट गया। यहाँ कट गया, 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 देखो है ना। तो ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन होने की वजह से ये पीरियोडिक है। लेकिन अभी मैं आपको इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा किसी फंक्शन का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपने 12th में भी सीखा होगा कि किसी भी इनवर्स फंक्शन जो होता है ना, मतलब इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए किसी भी फंक्शन का वन वन ऑन टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मेनी वन नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब फंक्शन मेनी वन नहीं हो सकता, जो जिसका इनवर्स निकलना है, तो इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स आ ही नहीं सकता ना कभी भी। नहीं समझे समझ गए सर। कुणाल? क्लियर हुआ लड़के? है हाँ सर, ठीक हो गया। ना। आगे बढ़ू प्रॉपर्टीज पे? हाँ सर। चलिए प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, मेरे को फाइल लेना पड़ेगा। चलिए एक एक करके प्रॉपर्टी लेते हैं भाई। पहली प्रॉपर्टी यहां है ना, एक एक करके प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हेडिंग लिख लेंगे सब लोग। ठीक है। तो पहली
प्रॉपर्टी क्या है यार, प्रॉपर्टी मेरे पास कुछ इस तरीके से, एफ एक्स है मेरे पास कितने के बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। इसका पीरियड कितना निकल के आया था अभी बताया था, जल्दी बोलो, 2 पाई। तो अब ये बोल रहा है कि आप 1/fx करोगे ना, उसका भी पीरियड कितना आएगा, 2 पाई। तो हम बोलेंगे बिल्कुल आएगा जी, देखो 1/sin x हो गया, इसे नया फंक्शन ले लूं, ये हो गया मेरा जी एक्स मान लेते हैं। तो जी एक्स कितने के बराबर हो गया, 1/sin x, ये भी फंक्शन हो गया पीरियोडिक, इसका भी पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई। चेक कर लो, चेक करके दिखाऊं, ये लो जी ऑफ एक्स प्लस 2 पाई तो करके देखना है मेरे को, तो बस 1/sin में कर देंगे, 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स वापस से कितना आ जाएगा, साइन एक्स, मतलब ये वापस से कितने के बराबर आ गया, जी एक्स के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स 2 पाई के बराबर है, जी एक्स 1/fx, 1/sin x, जी एक्स 1/sin x मतलब 2 पाई, जी एक्स प्लस 2 पाई तो जी एक्स के बराबर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, बताइए कोई दिक्कत है किसी को, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक। कोई दिक्कत है, 1/fx कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक। कोई परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ? नहीं सर, नहीं सर। चलिए, यही सेम चीज यहां पे हो जाएगी, अगर बाय चांस ये फंक्शन जो होता आपने बोल दिया तो √fx, तो रूट में भी क्या बदल गया बताओ, इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, टी। आप चेक करके देख लो, साइन एक्स अगर मैं रूट में डाल दूं तो भैया साइन की वैल्यू सेम ही तो आनी चाहिए, इसे मान लेते हैं नया फंक्शन हमने बोल दिया पी एक्स। अब पी एक्स प्लस 2 पाई चेक करके देखो क्या उस पर रिपीट कर रहा है, क्या बिल्कुल करेगा, क्या इससे छोटी वैल्यू पर रिपीट कर रहा है, क्या बिल्कुल नहीं करेगा, जब तक साइन अंदर है तब तक वो छोटी वैल्यू पे क्यों रिपीट करेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस छोटी, मेरा कहने का मतलब है 2 पाई से छोटी वैल्यू, कि भैया पाई पे करे, पाई बाय 2 पे करे, उस पे करेगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, √sin x, उस पे कितना हो जाएगा, √sin x। तो पी एक्स प्लस 2 पाई इज √sin x। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो प्लीज बताइए। आ गए सर, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एफ एक्स हैज अ पीरियड टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जो पीरियड रखेगा वो कितना रहेगा, टी अपॉन मॉड ए, ठीक है। इसे समझाते हैं कैसे भाई, एग्जाम्पल अभी किसका चल रहा था, साइन एक्स का, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। अगर ये साइन एक्स है, ठीक है, तो इसका पीरियड कितना आया था, 2 पाई। कल को अगर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा ये मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है, साइन 2x के बराबर, साइन एक्स का ग्राफ अभी हमने प्लॉट किया था ना, तो इसके केस में देखो, साइन 2x। अब देखो ये चीजें कहां पे मिल रही थी आपको, ये चीजें 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ऐसे चलेंगे ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये फंक्शन ने क्या कर दिया, पहले आपको देखो 1 कहां पे मिल रहा था, अभी इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कुछ नई चीज समझाने जा रहा हूं, वैसे ये ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ्स में है, नई चीज कैसे बता रहा हूं, ये 0 है, ये आपका कितना है, पाई है, ठीक है। यहां पे कितना हुआ, पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 हुआ तो पाई बाय 2 पे आपको क्या मिल रहा था, देखो 1 मिल रहा था, ठीक है। ऐसे 3 पाई बाय 2 पे आपको कितना मिल रहा था, -1 मिल रहा था। अब मैं चेक करता हूं कि साइन 2x के केस में मुझे किस वैल्यू पे 1 मिलेगा, तो अंदर कितना बनना चाहिए, इस केस में देखो ये x एक्सिस है, तो अंदर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 कितना देगा, 1। यहां पे x की वैल्यू देखो ना, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो पाई बाय 2 साइन, ये 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाय 2, तो x कितना हो गया, पाई बाय 4, मतलब
ऊपर वाले फंक्शन के हिसाब से जब आप पाई बाय टू डालेंगे तब आपको वन मिलेगा, नीचे वाले फंक्शन अंदर पाई बाय टू बनना चाहिए तब वन आएगा, लेकिन वो पाई बाय टू एक्स कौन सी वैल्यू पे बनेगा, बाय फोर, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई पाई फोर, जिस पे आपको क्या मिल रहा है वन। ठीक है, अगला देखो पाई, तो साइन पाई कितना हो जाएगा जीरो, मतलब यहां पे 2x की जगह पे कितना डाल दे, 2x की जगह पे अगर मैं पाई डाल दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय टू, तो यहां पे कितना आ जाएगा पाई बाय टू, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई पाई, तो साइन पाई कितना दे देगा जीरो, लेकिन वो पाई बनाने के लिए x की कौन सी वैल्यू लगेगी पाई बाय टू। तो तुम ध्यान से देखो, अगर पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखोगे ना, तो जीरो से पाई, पाई से टू पाई, टू पाई से थ्री पाई, इस ग्राफ को एक्चुअली इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़ गया है, जो चीज आपको पाई पे मिल रही थी अब वो आपको पाई बाय टू पे मिल रही है। यहां पे ध्यान से देखो, मतलब जो चीज आपको पहले यहां टू पाई पे मिल रही थी वो आपको कहां पे मिल जाएगी बताओ जल्दी, पाई पे। अरे सर टू पाई वाली, हाँ पाई पे मिलेगी सर, तो सही है, मेरा फॉल्ट था। हाँ तो ये कितना है यहाँ पे, मतलब अगर मैं इसके अंदर ग्राफ बना के दिखाऊ ना आपको साइन टू एक्स का, तो देखो आपको पता कैसा ग्राफ मिलेगा, ये देखो यहां बना, तो आपको ग्राफ मिलेगा ये, नहीं ऊपर वन तक तो जाएगा पूरा, हाँ एम्पलीट्यूड तो उतनी रहेगी, एल्टीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है बना के दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाए इसलिए मैं सोच रहा था ये, और नीचे आ जाएगा ये। ठीक है फिर अगले वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, यहां तक ऊपर जाएगा यहां गिरेगा और यहां तक नीचे जाके यहां गिरेगा, समझ गए मेरी बात। तो मतलब ग्राफ आपका बेसिकली क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आगे से आप लोग, और किसी को कोई दिक्कत है कि भैया ये चीज समझने को आई क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें, आदित्य अजय एकता मोहित निर्मल सुशांत तरुण आ गए सर, समझ में आ गया समझ में सर, आ गई सर है ना। तो मतलब अगर आगे कोई आपको बोले कि भैया कोई फंक्शन आपका दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी दे दिया है, और अगर आपसे बोला जाए कि एफ ऐसा बोल दिया आपने कि भैया एफ एक्स प्लस समथिंग बोल दिया या कुछ बोल दिया या ये ए टाइम्स ऑफ एक्स बोल दिया है ना, और ए की वैल्यू आपने बोल दिया ग्रेटर देन वन, तो ऐसे में एक्स जो फंक्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है इसका उल्टा क्या होगा, ये उल्टा आप मुझे प्लॉट करके लेके आएंगे घर से, साइन वन बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स, एफ एक्स जो है साइन वन बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स, उसका आप मुझे करके लेके आएंगे। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी तो प्लीज बताओ। तो सर आगे फंक्शन नहीं है, चलिए ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यहां से है एफ एक्स वन बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स, इसमें मिलेगा एक्सपैंड, ठीक है एक्सपैंड ट्राई करके आना। अब आते हैं, लौटते हैं वापस चीज पे, या ग्राफ को बना रहने देंगे, वापस लौटेंगे अपनी चीज पे। हमने बोला था कि एफ एक्स प्लस बी टाइप बी फंक्शन हो तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ के नेचर पे इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहां पे साइन लिखा होता 2x प्लस 3 लिखा होता तो नेचर इसी तरीके करेगा, नेचर इसी तरीके करेगा, जो अंदर मैंने बनाया ना ये वाला नेचर इसी तरीके से रहेगा, बस ये पोजीशंस बदल जाएंगी। पहले आपको जीरो कुछ और जगह पे मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी होगा क्योंकि x को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन इसमें प्लस 3 करने का मतलब है आपने एक तरीके से इस ग्राफ को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, कौन सी लेफ्ट साइड में, ये शिफ्टिंग है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का पार्ट है, इसलिए इसमें नेचर ऑफ ग्राफ मतलब कॉन्ट्रैक्टेड ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस शिफ्टिंग हो जाएगी टू द लेफ्ट। ठीक है इसलिए अपने को क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है। ठीक है अब आप बोलोगे ध्यान में रखते हुए क्या, मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2x plus 3
ये प्लस थ्री हो माइनस थ्री हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप बोलोगे अच्छा सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप मुझे बताओ कि अब पीरियड निकालना है तो इसका पीरियड क्या आएगा और इसका पीरियड क्या आएगा। तुम बोलोगे देखो ये तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, पीरियड यहां से चेक करके बता दो ना, आप ही बता दो मुझे क्या आ रहा है पीरियड, बताओ आप बताओ पीरियड आ रहा है ग्रीन वाले का। देखो एक कंप्लीट हो गया पाई यहां पे, फिर ये पूरा कंप्लीट होके टू पाई पे मिल गया आपको, फिर ये पूरा कंप्लीट होके थ्री पाई पे मिल गया, तो पीरियड क्या हो गया बेटा पाई हो गया ना। हाँ तो पीरियड कितना हो गया पाई, तो साइन एक्स के केस में पीरियड था टू पाई, लेकिन साइन टू एक्स होता है पीरियड हो गया पाई। अब पाई कैसे अचीव हुआ होगा, टू पाई डिवाइडेड बाई टू से तो अचीव हुआ होगा। हाँ सर है ना, इसी तरीके से यहां से देखा जाएगा तो पीरियड कैसे अचीव होगा, टू पाई डिवाइडेड, मैंने बोला फंक्शन में देखो ना, फंक्शन में एक्स प्लस बी था, उस केस में एक्स प्लस बी में जो पीरियड आ रहा था ओरिजिनल फंक्शन का, उसको बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना था उसके मॉड से, तो देखो मॉड कितना चल रहा है, टू चल रहा है ना, उससे डिवाइड किया, यहां भी आंसर कितना है पाई। तो देखो ये और ये इनका पीरियड को कितना रहेगा पाई रहेगा, दोनों ही केसेस में पीरियड को कितना रहेगा पाई रहेगा, लेकिन शिफ्टिंग कैसे रहेगी हॉरिजॉन्टल, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आज से हम इतना समझ जाएंगे कि अगर कोई भी फंक्शन मुझे मिला है उसका पीरियड कितना है टी, तो अगर एक्स प्लस बी के बारे में बात करेंगे तो उसका पीरियड हो जाएगा टी अपॉन मॉड ए। देखो यहां पे बी की वैल्यू थी जीरो, लेकिन बी की वैल्यू हमारे फॉर्मूला में आई नहीं रही है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड सीधा निकल जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाई टू। यहां पे बी की वैल्यू कितनी थी थ्री, पीरियड सीधा निकल जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाई टू, खत्म बात। कोई दिक्कत है किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते। आगे समझ में सर, सब लोगों को, अरे कोई डाउट है? यस सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ो। Every constant function defined for all real x is always periodic with no fundamental period. Constant function, y is equals to constant, x axis parallel line होती है? मान लेते हैं ये मैंने y is equals to 2 ले लिया। सर इसके तो मतलब कितना भी हम अपनी मर्जी से पीरियड बना सकते हैं इसके तो? अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे fx is equals to 2 हो गया। तो आप एक बात बताओ, फंक्शन क्या बोल रहा था, जो पीरियोडिक रहेगा वो x plus t is equals to fx आना चाहिए, सही बात नहीं है क्या? तो हमने बोला कि अब x plus t मैंने डाला यहां पे fx में, x की जगह x plus t डाला, तो 2 आंसर आएगा ना, यहां से भी कितना आंसर आया 2, यहां से भी कितना आंसर आया 2, यार क्लियर है? ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि f of x plus t के केस में भी आंसर कितना है, यहां पे भी 2 आया, यहां पे भी कितना आया 2 आया। मतलब अगर आप यहां पे t की जगह पे 0.1 डालो तब भी आंसर 2, यहां पे 0.001 डालो तब भी आंसर 2, यहां पे 0.3 डालो तब भी आंसर 2, सब जगह आंसर कितना आएगा 2। आप नेगेटिव नंबर भी डालोगे तब भी आंसर कितना आएगा 2, लेकिन हम फंडामेंटल पीरियड नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन हम डाल सकते हैं, इसमें आ रहा है आंसर भाई। अपने आप को तुम ध्यान से देखोगे तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि आंसर हमेशा आप fx के बराबर कर दे रहे हो, मतलब कोई सर्टेन फंडामेंटल पीरियड है ही नहीं ना। ठीक है, पीरियोडिक है, पीरियड भी है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड सर्टेन नहीं है, कितना भी नीचे जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है कि फंक्शन आपका क्या रहेगा, पीरियोडिक रहेगा, लेकिन आप क्या है, फंक्शन आपका पीरियोडिक रहेगा, सर्टेन पीरियड फंडामेंटल इसका नहीं रहेगा। बस इतना सा टास्क है जो आपको समझना है। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स इज ऑलवेज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या फंडामेंटल पीरियड मैंने बताया लीस्ट पॉजिटिव होता है, लीस्ट सबसे छोटा होना चाहिए। आप बोलोगे सर इसमें तो नेगेटिव में भी बात हो रही है, लेकिन हाँ ये इकलौता ऐसा फंक्शन है, उसके बाद वाले फंक्शंस में नहीं हो रही है ना, इसलिए फंडामेंटल के डेफिनेशन को हम चेंज नहीं करेंगे, हम लीस्ट पॉजिटिव ही बोलेंगे उसको। समझ में आई क्या बात?
समझ सर रहे हैं? देखो ना, रिपीट कर रहा है, आप इनफाइनाइट रिपीटेशन है इसमें, ऐसे 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 कितना रिपीट कर रहा है आप बता ही नहीं सकते हो। हर पॉइंट अपने आप में क्या है, इसका पीरियड है हर पॉइंट। देखो मैं पीरियड को फिर से एक बार समझाना चाहता हूं, एक फंक्शन है उसका पीरियड है 2π, ठीक है, तो उसका 2π भी पीरियड रहेगा, 2 × 2π भी पीरियड रहेगा, 3 × 2π भी पीरियड रहेगा, 4 × 2π भी पीरियड रहेगा, 5 × 2π भी पीरियड रहेगा, ये सब पीरियड रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड कौन रहेगा, सबसे छोटा वाला, समझ गए? यही मैंने पिछले डेफिनेशन में समझाया था, जो पिछले वाले यहां पे आगे यहां कहीं होगा, जो ग्राफ बनाया था उसमें समझाया था यार। हाँ ठीक है, तो सब जगह वो पीरियड मैंने बताया था साइन वाले केस में, पिछले उसमें बताया होगा, ठीक है। तो टी 2 × 2 × t, 3 × t, 4 × t, 5 × t, 6 × t, 7 × t, ये सब क्या है, पीरियड, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल पीरियड कौन सा होगा, सबसे छोटा, तो यही तो बोला है, इनफाइनाइट पीरियड हो सकते हैं इसके, लेकिन फंडामेंटल पीरियड इसका डिफाइन नहीं होगा, कितना भी छोटा होता चला जाएगा। कल को आप बोलोगे जी ये इसका फंडामेंटल पीरियड है क्या, एक्स प्लस जीरो 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 वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू, ये भी फंडामेंटल पीरियड। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, परेशानी है, प्लीज बताइए, नहीं है आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हम इस हिसाब किताब पे। अब बोलेंगे सर इंडिविजुअल फंक्शंस का तो आपने बता दिया, अब बात आती है कि भैया मेरे 2 फंक्शन ऐड हो गए, या मेरा 3 फंक्शन ऐड हो गए, या 4 हो गए, तो ऐसे केस में क्या किया जाए। तो आप ध्यान से देखो, अगर मेरे फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका पीरियड मैंने लिया, यहां पे लिखा हुआ है वही लिख रहा हूं टी1, दूसरा फंक्शन मैंने लिया टी2। अब मैंने आपसे बोला कि भैया इन दोनों के एडिशन जो है एफ एक्स प्लस जी एक्स, उसका क्या पीरियड रहेगा, इनका सब्सट्रैक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स, उसका क्या पीरियड रहेगा, इनके प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसका क्या पीरियड रहेगा, इनका डिविजन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उसका क्या पीरियड रहेगा, एडिशन का क्या पीरियड है, सब्सट्रैक्शन का क्या पीरियड है, प्रोडक्ट का क्या पीरियड है, और डिविजन का क्या पीरियड है, वो पीरियड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका बताया गया है, ठीक है। डिविजन वाले केस में मुझे एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, मुझे ये जी एक्स जहां पे जीरो हो रहा होगा उस पोर्शन को एक्स को यूज नहीं करना पड़ता है, उस चीज का ध्यान हमेशा ही रखना होता है आपको फंक्शन में, ठीक है। तो अब इन सब के लिए क्या बोला गया है कि आप एलसीएम लीजिए, किसका, t1, t2 का। अब दिक्कत क्या हो रही है, आप बोलोगे सर बहुत ही मजाक है एलसीएम लेना, तो मैं बोलूंगा हाँ बहुत मजाक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, t1 की वैल्यू मान ले नंबर आ गई आपके पास, मान लेते आपके पास में आ गई a अपॉन b, t2 की आ गई मान लेते c अपॉन d। तो ऐसे केस में एलसीएम जो है आपका, एलसीएम ऑफ t1 और t2, मतलब a अपॉन b c अपॉन d, वो कैसे निकाला जाएगा, तो उसके केस में होगा क्या, एलसीएम निकाला जाएगा किसका, a कॉमा c का, और एच सी एफ निकाला जाएगा किसका, बी कॉमा डी का। एलसीएम निकाला जाएगा ए कॉमा सी का, एच सी एफ निकाला जाएगा बी कॉमा डी का, ठीक है। ये एलसीएम और एच सी एफ के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो एलसीएम होगा ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी, तो ए कॉमा सी एलसीएम और बी कॉमा डी एच सी एफ, इस तरीके से हमें काम करना होगा। आप में से कुछ लोगों को एच सी एफ के बारे में कम आइडिया होता है, क्योंकि बचपन से निकालने को ही नहीं मिलता, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जैसे मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है 4, उसके फैक्टर्स हुए 2 × 2, 6 लिखा है 2 × 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 2, हाईएस्ट मतलब
मैक्स टू मैक्स ये कॉमन आ सकता है इनके अंदर, ठीक है। कल को 12 हो जाता इसकी जगह तो 6 की जगह 2 × 2 × 3 हो जाता। तो ये देखो ये दोनों इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाते, 2 × 2 = 4, 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता। समझ में आई बात? इस तरीके से पूरा का पूरा बढ़ता, ठीक है, बढ़ता है इस तरीके से। कोई डाउट है प्लीज बताइए, कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं। लू क्वेश्चन? हाँ सर क्वेश्चन ले लो। चलिए फिर इसके बाद में यहां पे वापस लौटेंगे हम लोग, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन लेते हैं, मैं लिख ही देता हूं इतना क्या। चलिए क्वेश्चन है ठीक है, इसका मुझे पीरियड कैलकुलेट करना है। पीरियड कैलकुलेट करना है आपको इसका, हुआ क्या भाई? कितना टाइम लोगे? देखो इसका कितना था, अब कंफ्यूजन ये हो सकती है, आप बोलो सर कॉस्ट का कितना होता है, चेक कर लेते ना। तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको आइडिया दे देता हूं, वैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था एक स्लाइड में, साइन कॉस टैन कॉट सबके लिए जो आंसर आता है दैट इज 2π। इनका पीरियड सॉरी टैन कॉट गलत लिख दिया भाई, सेक कॉसेक होता है इसके अंदर, ये टैन कॉट क्या मेरा नष्ट हो गया है क्या, दिमाग खराब हुआ पड़ा है क्या मेरा, कुछ भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये है टैन और ये है कॉट, ठीक है। तो ये कितना है पाए, तो साइन कॉस सेक कॉसेक उसके लिए कितना आएगा बेटा 2π, टैन और कॉट के लिए आएगा पाए। अच्छा एक चीज और है, इनके लिए भी इसमें भी कैटेगरी है, इसमें कैटेगरी क्या है, पावर एन की कैटेगरी है, मतलब मैं बताता हूं साइन एक्स कॉस की पावर एन एक्स, ये केवल बुक में मिलेगा, सेक की पावर एन एक्स और कॉस एक इसकी पावर एन एक्स, इसमें अगर एन इवन तो पीरियड क्या हो जाएगा, अगर एन इवन तो पीरियड होगा पाए, और अगर एन ऑड तो पीरियड कितना हो जाएगा आपके पास में 2π। समझ आ रहा है क्या ये कैटेगरीज बता रहा हूं जो, सुशांत? हाँ सर सुन रहा हूँ सर। आ रहा है समझ में ना? हाँ आ रहा है सर।
चाहे इसके केस में चाहे एन इवन हो, मोहित बेटा आ रहा है तुमको समझ में, मोहित कुछ हाँ सर, भी गड़बड़ो पूछ लियो बच्चे, है ना। तो अगर एन इवन है या एन ऑड है तो बताओ इसमें क्या क्या आंसर आएगा। पीरियड, इसके केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन कॉस सेक कॉसेक, ये साइन कॉस सेक कॉसेक इन सब के केस में कितना है, 2 पाई। पीरियड, साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स, कॉसेक की पावर एन एक्स। एन अगर इवन है तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। एन अगर ऑड है तो भी पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई। ठीक है, ऐसे ही टेन और कॉट के केस में होगा। ठीक है, एन ये वैसे इनका पीरियड होता है पाई, देखो ना इसमें भी तो ऑड ही है पावर। इस केस में ध्यान से देखो ना, इसमें अभी 10 की पावर कितना है, तुम देखोगे यहां से तो ऑड ही चल रहा है सब जगह, है ना। यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 1 है। समझ में आया या नहीं समझ में आया बताइए। पता आया सर, आया समझ में। आ गया सर। है किसी को नहीं सर, नहीं है। चलिए तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। बताइए साइन एक्स का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा बताओ। अभी तो फॉर्मूला लिखा था ना, 2 पाई डिवाइडेड बाय जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल, आंसर कितना आ गया, पाई। सही है, ये पाई हो गया। कॉस के केस में बताओ, कॉस x का पीरियड कितना आया था अभी बताओ। अभी तो बताया टू यहां पॉइंट पे सर 2 पाई है ना, और कॉस कितना हो जाएगा, 3x+3 के केस में पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई टू फाइव डिवाइडेड बाय बाय थ्री 3। तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, इन सब का अपने को लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, हो जाएगा पाई कॉमा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब ये एलसीएम ये ही तो बताने के लिए मैंने आपको बोला है। ठीक है, ध्यान देखना है ना। देखो पाई तो देखो दोनों जगह कॉमन है, इसको तो हटा ही दो क्योंकि पाई इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया। अब बचा कौन, अब बचा 1 और 2 बाय 3। तो ऊपर वाले का ले लिया एलसीएम और नीचे वाले का ले लिया एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वाले का 1, 2 में एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ जल्दी। टू एलसीएम आ जाएगा 2। करेक्ट है भाई। एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन है, वन 1 और 3 में हाईएस्ट कॉमन कितना हो गया, 1। ये हो गया आंसर। वन ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे एलसीएम का क्या मतलब होता है बेटा, एलसीएम, एलसीएम का क्या मतलब होता है, सर, एलसीएम कोई का ऐसा नंबर टू जो जिससे और दोनों से का डिविजिबल एलसीएम हो। लेना है दोनों से हो। तो 4 के केस में 2 into 2 और 6 के केस में 2 into 3। तो सब जगह देखो जो कॉमन आ रहा होता है ना उसको तो आप अलग कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए होते हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 into 2 into 3। ये लो एलसीएम, ऐसे निकालते हैं। तो इसके केस में अब कुछ कॉमन ही नहीं था तो सबसे 1 into 2 कितना आ गया, 2, इसलिए एलसीएम यहां पे 2 आ गया। पाई हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे। ये तरीका होता है सीएफ का और एलसीएम का। समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चे। आ गए सर, अगर किसी डाउट आ गया सर। है प्लीज पूछ लो, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो यार। है कोई डाउट? नो सर, नहीं सर। चलिए अगली प्रॉपर्टीज पे काम करना शुरू करते हैं। चलिए, अच्छा आज तुम्हें थोड़ी तो ग्राफ की नॉलेज हुई एटलीस्ट। ये बताओ कि अगर मेरा साइन एक्स का फंक्शन है ये, उसका ग्राफ है ये, बना रहा हूं मैं फटाफट। ठीक है, अगला तुम्हें बनाना है। ठीक है, ये साइन एक्स का फंक्शन है, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, ये हो गया -पाई हो गया और -2 पाई हो गया। ठीक है, फिर मॉड साइन एक्स का फंक्शन अपने को बताना है। ये मॉड साइन एक्स का फंक्शन बताना है। ठीक है, मॉड साइन एक्स का बताओ, कोई बता सकता है मॉड साइन एक्स का फंक्शन कैसा आएगा। सर ये नीचे जो वाले नीचे एलिमेंट नेगेटिव है ना होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे।
हाँ ये जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब देखो साइन एक्स में नेगेटिव वैल्यूज आ सकती थी, साइन एक्स के केस में रेंज कितनी मिलती है मेरे को, -1 to 1। अब अगर इसमें मैं मॉड लगा दूं तो क्या हो जाएगा? इसमें मॉड लगाने पे -1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1। यहां भी मॉड कितना आ रहा है, 1। और इसके बीच में जितने भी नंबर रहेंगे सब पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन बीच में जीरो भी आएगा इसलिए 0 से 1 आ जाएगा। तो मॉड साइन एक्स आपका आंसर कितना देगा, 0 से 1। यहां पे साइन एक्स कैसा है, ये है मॉड साइन एक्स कैसा आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है, मतलब ऐसे मॉड कॉस एक्स होगा। जब भी मॉड लगेगा ना, नीचे वाला फंक्शन उठ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 0 ये पाए, ये 2 पाए, ये 3 पाए, ये -पाए, ये -2 पाए, ठीक है। जितने भी होंगे ये कितना हो जाएगा, 0 से पाए, पाए से 2 पाए, 2 पाए से 3 पाए, -पाए से 0, -2 पाए से -पाए, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, मॉड साइन एक्स। साइन एक्स ये हो गया, मॉड साइन एक्स ये हो गया। कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो बताइए। नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका पीरियड कितना आया था बताओ जरा, 2 पाए। टू पाए क्या है? इसका पीरियड बता दो क्या आएगा, पाए। इसका पीरियड हो गया पाए। सेम प्रोसेस होगा कॉस के मॉड के साथ में, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो क्या आप? हाँ सर। जल्दी बनाओ अपनी कॉपी में, एक बार देखते हैं। इसके बीच में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है भैया, कभी ग्राफ में लाइन नहीं है ये। ये तो मैंने मैप करने के लिए कि वहां तक पहुंच सकूं, वहां तक बना सकूं, ये लाइन है नहीं कुछ भी, ठीक है। जल्दी मॉड कॉस एक्स बना के दिखाइए मुझे, दिखाइए मतलब बनाइए, फिर मेरे से मैच कीजिए। बना लिया सर। चलिए, तो ये जो है इसका ग्राफ हम बना रहे हैं। मॉड कॉस एक्स, तो भाई अब इसका मॉड लिया है ना, तो मॉड के केस में क्या होगा, ये हिस्सा तो ऊपर ही है, जो ऊपर वाला उसको टेंशन नहीं है, जो नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। इसमें भी आप देखेंगे 0, ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू, ये हो जाएगा 5 पाई बाई टू, ये हो जाएगा आपके पास में -पाई बाई टू, तो ये -3 पाई बाई टू। अब तो आप ध्यान से देखो ना सब जगह, तो यहां वाले केस में तो सीधा सीधा मामला है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू, हो जाएगा 5 पाई बाई टू, ये हो जाएगा आपके -5 बाई टू, ये आ जाएगा -3 पाई बाई टू, ठीक है। तो ये आपके पास में पाए, ये आपके पास में पाए, ये भी आपके पास में पाए, और ये भी आपके पास में पाए, तो हर जगह यहां पे भी क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब ये रिपीटेशन अगर इसका ध्यान से देखेंगे तो इस जगह से ध्यान से देखिए, यहां से यहां ये 2 पाए वाला हिस्सा जो आपको अचीव होगा उसके बीच में देखिए, इतना ही फंक्शन बार बार क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखो यहां से यहां तक फिर से देखो,
ये देखो यहां तक, ठीक है, ये वाला यहां तक, ये वाला यहां तक, ये वाला यहां तक, तो सेम ही तो बन रहा है, ठीक है। अब इसमें पीरियड देखो ना, इसमें कितना सब कुछ चेंज हो गया, इसमें ये हिसाब किताब बदल गया, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो पीरियड कितना हो जाएगा, वापस बताओ यार, बाय। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे बताइए, किसी भी तरीके से दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बताइए। आ गए हेलो, सर, समझे। आ गया सब लोगों को समझ में, कोई दिक्कत आ रही है यहां तक मॉड कॉस एक्स में? अब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन अभी आया नहीं है, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि अगर बाई चांस मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल के दिखाइए। फंडामेंटल पीरियड बताइए। जल्दी फंडामेंटल पीरियड बेटा, यही पाई गेम होगा, क्या? पाई पाई, एक आंसर आया हमारे पास पाई, और कोई? सर, पाई होगा। दूसरा आंसर पाई, और कोई? पाई आ रहा है। पाई, और कोई? फंडामेंटल पीरियड की कोई डेफिनेशन बताएगा? क्यों मैं इतना इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, यहीं से समझ आएगा आपको, कोई डेफिनेशन बताएगा? सर मतलब उस पीरियड में जो ग्राफ होता है वो अपने आप को रिपीट करता रहता है थ्रू आउट जो भी वैल्यू डालेंगे, मतलब क्या? वो पीरियड है उस पे ग्राफ रिपीट करता है, मतलब उस पीरियड में जो ग्राफ है ना वही हर पीरियड पे वही रहेगा उतने ही ऐसा टाइम नहीं इंटरवल है, के लिए। फंडामेंटल पीरियड ये नहीं है लड़के, सबसे छोटी यूनिट होती है फंडामेंटल पीरियड, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो, सबसे छोटी यूनिट। अभी आपको देखने से पता चलेगा कि अभी तो सर आपने बताया था इसका पाई आएगा, इसका पाई आएगा, और सर दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई। लेकिन ये एलसीएम से फंडामेंटल पीरियड नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंपलसरी एलसीएम से ही फंडामेंटल पीरियड आएगा। तो अब आप बोलोगे सर कैसे निकाले फंडामेंटल पीरियड, फिर मैं बोलूंगा जो भी आपका एलसीएम से पीरियड आए उसको आप इंटीजर से डिवाइड करना शुरू करें, वन से तो ऑलरेडी डिवाइडेड ही है ये, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, सेवन से, एट से, ऐसे बढ़े, ठीक है। मान लेते हो टू से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा पाई बाय टू, लेट्स चेक दैट एट पाई बाय टू वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट सेम आंसर और नॉट। ठीक है, यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाय टू, पाई बाय टू प्लस एक्स कौन सा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहां पे क्या कॉस आएगा, पॉजिटिव कॉस। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड उसे क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव, तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा पाई बाय टू इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर। तो हाँ, पाई बाय टू पाई से छोटा है, ये फंडामेंटल पीरियड हो सकता है। फिर चेक किस पे करेंगे यार, फिर चेक करेंगे अगले वाले पे, किस पे, अब थ्री से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री, इस पे देखेंगे मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाय थ्री, कुछ आएगा क्या पाई बाय थ्री पे? नहीं यार, ये तो वैल्यू की तरफ भागने लगेगा फिर, ये भी ना कॉस देगा ना साइन देगा, ये भी ना कॉस देगा ना साइन देगा।
by 2 ही सबसे छोटी यूनिट है जहां पे हर चीज होती है। अब और 4 पे डिवाइड कर लो पाई बाय 4 पे, पाई बाय 5 पे, ऐसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया बच्चे? फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। समझ आया या नहीं समझ में आया जल्दी बताओ, ये टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। आ गया सर, आ गया, कोई दिक्कत है? नो सर, नहीं है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। कुछ नहीं है यार, ये गॉफ और फॉग की प्रॉपर्टी है। गॉफ और फॉग अभी आपने कंपोजिट फंक्शंस अभी आपने नहीं पढ़ा है, समझाता हूं मैं। कंपोजिट फंक्शन वो आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, वही आना है अपना नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें कंपोजिट और इनवर्स दो चीजें मेरे को पढ़ानी है। कंपोजिट फंक्शन में पीस वाइज डेफिनेशन सिखाऊंगा, उसके बिना ना, अगर वो आपको आ गया तो आपको कैलकुलस में कभी दिक्कत नहीं आएगी पीस वाइज डेफिनेशन के अंदर। लेकिन अगर पीस वाइज डेफिनेशन आपने नहीं निकाली तो दिक्कत रहती है। तो गॉफ मतलब होता है जी ऑफ एफिक्स, फॉग मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो जो गॉफ फंक्शन है या फॉग फंक्शन है, ठीक है, इसके केस में सब कुछ डिपेंड करेगा, ये गॉफ या फॉग जो है ये सब कुछ डिपेंड करेगा किस पे? इसके अंदर वाले फंक्शन पे, कि वो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। तो अगर गॉफ या फॉग पीरियोडिक होना चाहता है तो उसके अंदर वाला फंक्शन एफ एक्स जो है उसका पीरियोडिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो गॉफ और फॉग जो है उसमें इसका पीरियोडिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे यहां पे इसका पीरियोडिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस पीरियड से ये इंटरनल फंक्शन पीरियोडिक होगा उसी पीरियड से गॉफ या फॉग पीरियोडिक होगा। आई क्या बात समझ में? हाँ सर आई, ठीक है ना। अब गॉफ और फॉग निकालेंगे कैसे वो तो मैं समझाऊंगा ही, एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं यार इसमें। सॉल्व कीजिए। टाइम पीरियड निकालना है सर। हाँ पीरियड निकालना, टाइम पीरियड नहीं, पीरियड। हाँ पीरियड, पीरियड निकालिए फटाफट। भैया हुआ, ये तो आसान है, इसका बताओ कितना हो जाएगा 2π/1/2। इसका बताओ कितना हो जाएगा 2π/2 कितना π/1/3। इनका लेना है एलसीएम, देखो ये ऊपर जाके 4π हो गया,
ये ऊपर जाके 6 पाई हो गया, ठीक है, इसका लेना है LCM। देखो पाई तो बाहर निकल गया, अब बचा कौन, 4 कितना है 2 into 2, 6 कितना है 2 into 3, ये 2 तो आ गया कॉमन, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 4 into 3 मतलब 12। कितना 12 पाई आंसर। नहीं आएगा समझ में, इसको डिवाइड वगैरह नहीं करना, मैं डिवाइड करने लग गया, जरूरत ही नहीं है यार, क्यों करें। अगला नहीं, मैं वो इंटीजर से डिवाइड करने लग गया। अब फास्ट करना, देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर निकालेगा फटाक से। हुआ क्या भाई, जल्दी करो ना, हाँ भाई, ये कितना हुआ 2π/3/2 कितना हो जाएगा 3/2 कॉमा, ये कितना हो जाएगा 2π/1/3 कॉमा 2π/2/3, इसका निकाल लो एलसीएम। फोर पाई बाय थ्री, 6π, ये कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा फिर, इसका भी क्या आएगा 12 पाई आएगा इसका भी शायद। हाँ बिल्कुल है, 12π/1। कैसे, देखो पाई तो सब जगह बाहर आ जाएगा, है ना, बचा 4, 6 और 3, ठीक है, तो 3 का तो 3 रहेगा, 4 को 2 into 2 लिख देंगे, 6 को 2 into 3 लिख देंगे, तो यहां से कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, 12 कैसे आ जाएगा, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं समझे। समझ गए सर। नहीं, अभी मुझे किसी ने मैसेज किया है, कौन है भैया, वो आदित्य, वेरी गुड आदित्य, टैन का पीरियड पाई होता है भाई, तो ये 3π/2 बना, है ना, अभी भी एलसीएम तो इसका पूरा आएगा, 2π तो ये 12π नहीं आएगा भाई, कैसे, एलसीएम के केस में यहां से देखो 3 यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो 3 आ गया, ठीक है, जहां जहां कॉमन है, 2 यहां पे, यहां पे, यहां पे नहीं है, तो 2 आ गया, ठीक है, और 2 आ गया, बताओ क्या ये 12 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 6 से है, है, 4 से है, है, एलसीएम तो सबसे डिविजिबल होता है ना, तो पूरा पूरा पार्ट आ रहा है क्या इसके अंदर, आ रहा है भाई, ये वाला हिस्सा 4 बना दे रहा है, ये वाला हिस्सा 6 बना दे रहा है, और ये वाला हिस्सा 3 रहने दे रहा है, ठीक है, 12 पाई डिवाइडेड बाय ये 3, ये 1 और ये 2, ये आंसर 1, 12 पाई आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई है तो बताओ, नहीं, ये दो क्वेश्चन और नोट करो, करके लेके आने घर से, नेक्स्ट क्लास फंक्शन चेक आपका टेस्ट कब है दूसरा?